नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सेठ आपके बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बोल रहा हूँ। एक सवाल आया है कि छोटे बच्चे जिसके एकदम न्यू नवजात शिशु हुआ हो तो उसकी केयर कैसे करें। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि अगर नवजात अगर सर्दी का मौसम है तो बच्चे को गर्म रखें, उसको उसके सर पे भी टोपी होनी चाहिए, हाथ और पैर पे भी कपड़े होने चाहिए, उसे कवर रखना है। उसे अपने अगर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो उसे अपने अपने साथ जैसे कहते हैं कैंगरू मदर केयर अपने छाती से लगा के रखें तो गर्माहट माँ की गर्माहट से बच्चा गर्म रहता है। ये इन चीज़ों का केयर बहुत ज़रूरी है, ये खासकर सर्दी के टाइम में। उसके साथ साथ जब आप बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और बहुत अच्छी तरह आप भी कम से कम 4-5-6 गिलास दूध खुद पीजिए ताकि आप अपने बच्चे को आराम से फीड कर सकें। उसके अलावा जो शहद है, कई मैंने देखा है कि इंडियन कल्चर में शहद दिया जाता है, तो पहले साल में कभी भी बच्चे को शहद नहीं देते। एंड इससे एक बहुत बड़ी बीमारी बॉटुलिनिज्म हो सकती है, इसलिए शहद का प्रयोग बच्चे को पहले साल में ना किया जाए। उसके अलावा बच्चे को सेफ रखना होता है, तो सेफ रखने के लिए बच्चा जैसे सोता है तो या तो बैक पे सोएगा या साइड पे, पेट के बल नहीं सोना चाहिए जो बच्चा एकदम पैदा होता है। और उसको एक साल तक, ये जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, एक साल तक बच्चा बैक पे सोए या साइड पे सोए, पेट के बल नहीं सुनाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सिड्स कहते हैं, वो हो जाती है। तो बच्चा इस तरह सोए। दूसरा, बच्चे को कोई भी कभी भी आप जोर से झझोड़े नहीं, शेक ना करें, इससे बच्चे की सर पे नसें ढीली हो जाती हैं, तो बच्चे को कभी शेक नहीं करना है। बच्चे को सेफ रखने के लिए कई बच्चे को आप लेके जा रहे हैं, अगर कार में ले जा रहे हैं तो कार सीट होनी चाहिए और कार सीट कार में सीट बेल्ट के साथ अटैच्ड होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि बच्चे को शेकिंग कार से भी ना हो। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बच्चे को आगे चलने में बहुत आपको हेल्दी भी रखेंगी और सेफ भी रखेंगी। थैंक यू।